वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ के रिहायशी इलाके में बने दवा गोदाम में बीती रात विस्फोट के बाद आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में उसने सब कुछ अपनी आगोश में समेट लिया। इस आग की चपेट में आने से दवा कारोबारी राजीव शर्मा की भी मौत हो गई। आग किस कारण से लगी और विस्फोट का क्या कारण है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। मचंदी थाना इलाके के नेहरू नगर में राजीव शर्मा की दवा फैक्ट्री है। यह दवा फैक्ट्री सिग्मोइड फार्मास्यूटिकल नाम से पिछले कई सालों से यहाँ रिहायशी इलाके में चल रही है। बीती रात करीब 3-4 बजे के आसपास एकाएक ही फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की आवाज कुछ दूरी तक सुनी गई, इसके बाद फैक्ट्री में आग लग गई। वहीं इस घटना के चश्मदीद ने मीडिया को यह जानकारी दी। ये भैया सुबह 3:30-4 के बीच की घटना है। गोदाम है इनका जो दवाई का, उसमें जो आग लग गई उसमें एक लड़का एक्सपायर हो गया। कुछ पता चले कैसे आग लगी? ये कोई जानकारी नहीं है किसी को। क्या नाम था लड़के का? राजीव शर्मा। अच्छा, ये दवाई का गोदाम कब से चल रहा है? दवाई का गोदाम तो बहुत दिन से है, करीब 20 साल से है। तो आपको कैसा पता चला कि घटना हुई है, कैसे जानकारी मिली है? ये तो जब विस्फोट हुआ ना, इसमें जो एकदम धमाका तेज हुआ, तो जब जो है पड़ोस में से उठा, 3:30-4 के बीच की बात है। हाँ जी, तो फिर मौके पर कोई आया था? मौके पर सब मोहल्ले वाले सब आ गए थे। फायर ब्रिगेड वगैरह? फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, उसने जब आग बुझाई है इसकी। हाँ, एक लड़के की मृत्यु हो गई। मौके पर मौजूद ACM सिविल लाइन चंद्रेश कुमार ने यह जानकारी दी। यहाँ पे पहुँचने पे जो मुझे जानकारी मिली है वो कि 3:30-4 के बीच में अचानक उस घर में विस्फोट की आवाज़ आई है और उसमें एक व्यक्ति की कैजुअलिटी हुई है जिनका नाम राजीव शर्मा है। आग कैसे लगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सर कब से फैक्ट्री चल रही थी कुछ? इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं, अब तो ये जांच का विषय है, बाद में पता चलेगा। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।